हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया केक्स एंड चॉकलेट्स। तो आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मेरा जो स्पंज है, देखिए आपको ये कलरफुल दिख रहा है ना, तो इसका एक रीज़न ये है क्योंकि हमारा जो केक है वो कोई एक फ्लेवर में नहीं, हमारे रेनबो कलर में है। तो ये हमने जो वनीला प्रीमिक्स में हमने एक कलर में ऐड करके ये हमने सारे कलर्स के स्पंज रेडी किए हैं। ये हमारा 2 पाउंड का केक था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये रेडी किया है। तो हम अब इसके रेडी करने के बाद हम इसकी क्रम कोटिंग करेंगे। तो ये हमारी क्रम कोटिंग रेडी स्टार्ट हो गई है। तो फर्स्ट हमने लेयर लगाई है ब्लू कलर की। तो ब्लू कलर लगाने के बाद जो हमने व्हिप क्रीम अपनी रेडी कर रखी थी, इसके बाद हम इसमें क्रीम ऐड करने के बाद हम इसमें क्रश अपना लगाएंगे। और मैंने फ्रेंड्स इसमें 2-3 फ्लेवर के अपने जो ये क्रश है उसको यूज़ किया है। आप भी कोई भी जो आपके पास अवेलेबल हो वो क्रश यूज़ कर सकते हो, और जितने अच्छे फ्लेवर रहेंगे उतना अच्छा आपका केक का फ्लेवर आएगा। तो ये मैंने अभी ब्लू लगाया था, अब इसमें हमने ग्रीन ऐड कर दिया है। शुगर सिरप से हम इसको सोक कर रहे हैं। शुगर सिरप से सोक करने के बाद फिर हम वही प्रोसेस करेंगे, हम क्रीम लगाएंगे। क्रीम लगाने के बाद जो हमारा क्रश है वो हम लगाएंगे। तो क्रीम को मैंने पाइपिंग नोजल से लगाया है। पाइपिंग नोजल से लगाने से एक फ़ायदा ये रहता है कि ज़्यादा इधर उधर फैलती नहीं है, और दूसरा चीज़ इवनली सारे जगह वो लगती है। तो ये हमारी लग गई है अब क्रीम। अब हमने ये अपना पाइनएप्पल क्रश जो है वो उसको यूज़ किया है। तो ये देखिए पाइनएप्पल क्रश कितना सुंदर येलो कलर का दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई स्पंज ही है। तो ये हमारा स्प्रेड हो गया पाइनएप्पल क्रश। अब हमारा आई बारी येलो कलर की। तो येलो कलर का भी हमारा स्पंज जो सेट हो गया। अब हम इसको फिर से शुगर सिरप सोक करेंगे। ऐसे ही करते करते हम सारी लेयर एक एक करके ऐड करते जाएंगे। तो ये हमारी येलो के बाद ऑरेंज कलर की भी ऐड हो गई है। तो ये हमारा एक्चुअली टॉल केक है, तो छोटा छोटा करके एक एक करके हमारा जो केक है ये टॉल होता जा रहा है, और इसमें हमारी क्रीम भी लगती जा रही तो ये थोड़ा और टॉल हो जाएगा जितने स्पंज के कलर हैं। ये हमारा रेड कलर आ गया। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा स्पंज का कलर कितना सुंदर आया है। मैंने इसीलिए ये क्या है, एक्चुअली ये क्रम कोटिंग हो जाएगा तो ये हमारा दिखेगा नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये सारे कलर्स में दिख रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है। तो ये मैंने केक के क्रम कोटिंग के पहले ही मैंने ये वाला वीडियो भी निकाल लिया था कि हमें बाद में ये देखने को नहीं मिले, क्योंकि ये कस्टमर के लिए बनाया है मैंने। तो ये मैंने आपको दिखाया कि अभी हमारा ये रेनबो कलर का स्पंज रेडी हो चुका है, क्रम कोटिंग हो चुकी है। अब बस थोड़ी सी और फिनिशिंग कर देंगे उसमें क्रम कोटिंग की, जिसमें इधर उधर हमारा स्पंज ना हो, और इसको हम अच्छे से चिल्ड करेंगे। तो ये हमारा टॉल केक है, इसको जितना अच्छा चिल्ड करेंगे ये उतना अच्छा सेट हो जाएगा। ये हो गई हमारी क्रम कोटिंग। तो क्रम कोटिंग करने के बाद मैंने इसका वेट किया। फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी यहीं पर ही ये 1 kg से अबव हो गया था, लेकिन बट हम तो होम बेकर हैं ना, तो हमें तो किसी की पार्टी स्पॉइल ना हो उसके लिए हमें ध्यान रखना है। हम होम बेकर के स्टाइल में नहीं कि हमें इतना ही काम करना है। तो ये हमारा, ये हमने फ्रिज से निकाल लिया 2-3 घंटे की हमने इसमें इसके लिए हमने वो किया था, 2-3 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखा था क्रम कोटिंग करने के बाद, इससे निकाला है। और फ्रेंड्स, इसमें एक बीच में हमने डॉल भी डाल दिया है कि हमारा इधर से उधर नहीं जाए। फ्रेंड्स, हमारी जो ये फाइनल आइसिंग हो रही, तो फाइनल आइसिंग एक्चुअली ये हमारा केक जो है बर्थडे केक है, ये हमारा बॉय के लिए है। तो हमने इसके लिए ब्लू कलर को चूज़ किया है। पहले मैंने इसका वाइट कलर चूज़ किया था, लेकिन मुझे ब्लू कलर ज़्यादा बेटर लगा तो मैंने इसको ब्लू कलर में इसकी फाइनल आइसिंग की है। तो उसके लिए भी मैंने पाइपिंग नोजल से ही क्रीम को चारों तरफ लगा दिया है। अब इसके बाद हम इसको स्प्रेड करेंगे, फिर स्क्रैपर से इसको हम अच्छे से इवनली इसकी फाइनल आइसिंग फिनिशिंग करेंगे। तो ये हमारा टॉल केक है, तो इसको थोड़ा सा फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छे से ध्यान दे करना पड़ता है। नाइफ से मेरा हो नहीं पा रहा था, कहीं ऊपर नीचे हो रहा था, और फिर मैंने इसके बाद इसको नाइफ से सारी जगह जब क्रीम को स्प्रेड कर लिया, तो इसके बाद मैंने इसमें स्क्रैपर का यूज़ किया था। जो स्क्रैपर हमारा उसी के अकॉर्डिंग था तो वो ज़्यादा अच्छा उससे रेडी हो गया। तो इसकी फिनिशिंग इसके बाद बहुत अच्छी आ गई थी, जिससे हमारा केक बहुत सुंदर दिखने लगा था। ये फिनिशिंग करने के बाद ही
फिनिशिंग रहेगी तो हमारा केक और सुंदर लगेगा, फिनिशिंग नहीं रहेगी तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये हमने कर दी है इसकी आइसिंग, फाइनल आइसिंग करी। अब इसके बाद हम इसकी करेंगे अच्छे से फिनिशिंग। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैं जहाँ जहाँ मेरा को लग रहा है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे है, वहाँ वहाँ मैं अभी क्रीम को सेट कर रही हूँ। जैसे ही मेरा क्रीम सेट हो जाएगा इसके बाद मैं इसकी फाइनल आइसिंग करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये फाइनल आइसिंग के बाद ये लुक हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने, मुझे वाइट ड्रिपिंग तैयार करनी थी तो मैंने वाइट गनाश रेडी किया है, जो हमारा रहता है रेशियो 50-50 का मैंने किया था। जितना हमारी क्रीम थी उतना ही हमारा ये हमारे वाइट चॉकलेट थी। और इसमें मैंने उसके बाद इसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल के इसके ड्रिपिंग की है। और ड्रिपिंग मैंने फ्रेंड्स पूरे केक में नहीं की है, सिर्फ मैंने कॉर्नर में ही की हुई है। तो ये फ्रेंड्स देखिए, ड्रिपिंग करने के बाद ये अभी से ही कितना सुंदर दिखने लगा है। तो जैसे जैसे हम इसकी ड्रिपिंग करेंगे, थोड़ा सा इसका देख लेंगे, आप सेट करिए कि कहाँ कहाँ हमारी ड्रिपिंग है, सही आ रही कि नहीं सही आ रही है। फ्रेंड्स ये टॉल केक में ड्रिपिंग जो है हमारी, ये बहुत सुंदर दिखती है, ये ऊपर नीचे रहती है। दूसरा चीज़, ये टॉल केक है तो टॉल केक में जो हमारी ड्रिपिंग है एकदम लंबी लंबी जो आती है, बहुत सुंदर लगती है। तो देखिए ऐसे ही हमारी भी ये बन गई है ड्रिपिंग। तो जहाँ जहाँ थोड़ा सा वो है तो मैंने ये स्टिक से इसको ठीक कर दिया है। तो ये हमारा ये ड्रिपिंग रेडी हो गया है। ड्रिपिंग के बाद थोड़ा सा हम इसमें अपनी जो क्या बोलते हैं बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाया सबसे, तो उसके पहले हमने सोचा कि इसका पहले जो हमारा बेस है वो सिल्वर कलर का दिख रहा था, तो मैंने बोला इसको भी कलर कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअली मुझे नाम भी लिखना था बच्चे का। तो इसके लिए मैंने जो हमारा बोर्ड है उसको मैंने क्रीम से ही कोट कर दिया। क्रीम हमारी हमने वही यूज़ की है जो हमने केक में यूज़ की है, ब्लू कलर की, तो हमारा कॉन्ट्रास्ट भी हो जाएगा और उसमें अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने बॉर्डर जो है इसमें वाइट कलर का दिया है, गनाश भी हमारी वाइट कलर की है, तो वाइट और ब्लू का ऑल ओवर हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा। तो बॉय है तो ऑलरेडी वो ब्लू में ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमारा बोर्ड रेडी हो गया। अब बोर्ड के बाद हम इसमें इसमें हम करेंगे अपने बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर के लिए हमने वाइट कलर की क्रीम का यूज़ किया है, उसमें मतलब कोई भी कलर नहीं ऐड किया है। और उसके बाद इसमें हम बॉर्डर बनाने के लिए हमने स्टार नोजल जो नूर का आता है उसको यूज़ किया हुआ है। तो ये हमारा, ये देखिए ये हमारा बॉर्डर बन रहा है। तो बॉर्डर बनाने के लिए हमने सिंपल डिज़ाइन ही ली है जो हमारी बॉर्डर में सबसे अच्छी लगती है। तो ये बॉर्डर की ही सबसे ज़्यादा 90% बॉर्डर में यही डिज़ाइन चलता है। तो ये फ्रेंड्स हमने स्टार नोजल जो हमारा बड़ा वाला होता है उससे मैंने ब्लू कलर का इसको ऐड किया है, इसे डिज़ाइन किया है वाइट और ब्लू का कॉर्नर में अप साइड में किया है डिज़ाइन। उसके बाद ड्रिपिंग डिज़ाइन करने के बाद हमने जो वाइट चॉकलेट में कलर डाल के हमने ये चॉकलेट अपनी रेडी किया। और हमारे फॉक्स बॉल्स हैं ये भी मैंने वाइट और सिल्वर का कॉम्बिनेशन लेके किया है। तो फ्रेंड्स ये हमने इसके बाद लास्ट में हमने थोड़ा सा ये टॉल केक है तो इसको और अच्छा लुक देने के लिए हमने सिल्वर पेपर का यूज़ किया है। सिल्वर पेपर को हमने टॉल केक के अकॉर्डिंग हमने लंबा लंबा कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए ऐसे हमने सर्कल में लेके नीचे साइड तक ले गए हैं। इसके बाद हम जब ये हमारा रेडी हो जाएगा तो हम इसमें अपना जो स्प्रिंकल्स हैं वो स्प्रिंकल्स भी मैंने वाइट और ब्लू का ही एक कॉम्बिनेशन में किया है। ओवरऑल हमारा केक जो है वो ब्लू और वाइट का थीम था तो इसलिए मैंने इसको यही कलर यूज़ कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स ये कितना सुंदर लगने लगा है सिल्वर पेपर के बाद। ये इसमें मैंने वाइट का सिल्वर डस्ट भी मैंने यूज़ किया है। सिल्वर डस्ट लगने के बाद हमारे केक पे जो रौनक है वो बहुत अच्छी आ जाती है। और ये तो सभी होम बेकर को सबको ही पता है कि जैसे ही हम केक में डस्ट का यूज़ करते, सिल्वर डस्ट या गोल्डन डस्ट, इससे केक का लुक जो है वो और 20% और बढ़ जाता है। 20% नहीं, आप और ज़्यादा भी बोल सकते हैं। तो ये हमने अब वाइट कलर की स्प्रिंकल्स
डालना चालू कर दिया है। इसके बाद हम इसमें सिल्वर कलर की भी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने इसमें सिल्वर कलर का भी फॉक्स बॉल यूज़ किया है, तो हमारा डबल कॉम्बिनेशन में हमारा केक रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसमें जो हमने नेम लिखना था, नेम के लिए भी हमने कटर का यूज़ किया है। नेम हमने जो फ्रेंड्स वो फाउंडेंट के बनाए हैं, फाउंडेंट से बनाने के बाद उसको कट कर दिया है, उसको अभी ड्राई होने के लिए रख दिया। लास्ट में हम इसको नाम को भी हम अपने सेट कर देंगे। अभी हमारे एक दो टॉपर हैं, एक हमारा रहेगा फ्रेंड्स, इसमें रहेगा एक हैप्पी बर्थडे का टैग, कुछ बॉय का बर्थडे है तो हमने उसको, और क्योंकि हमारा स्पंज जो है वो रेनबो कलर का है तो हमने थीम भी इसकी रेनबो ही कर दी है, तो अभी हमको कहीं से भी रेनबो दिख नहीं रहा, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, जो हमारा रेनबो टॉपर है उसको यूज़ किया है। किड्स का है तो हमने थोड़ा सा एनिमल भी लगा दिए हैं, और जो हमारी चॉकलेट है वो हमने ऊपर क्रॉस क्रॉस कर क्रिस क्रॉस करके लगा दी है, और जैसे हम टॉपर लगाते जाएंगे, यूज़ करते जाएंगे, उसके बाद हमने डाउन में भी अपनी चॉकलेट लगाई हुई है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी से ही अभी विदाउट टॉपर के ही हमारा केक कितना सुंदर दिखने लगा है, जैसे ही हम इसका टॉपर लगा देंगे ये और सुंदर खिल किया जाएगा। ये मैंने पहले सेम ब्लू कलर का टॉपर लगाया था, बाद में मैंने इसको चेंज कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने रेनबो टॉपर लगाया है, हमने छोटा सा जिराफ लगा दिया है सुंदर सा क्यूट सा, और ये मैंने स्टार वाले कुछ स्टिक्स भी लगाए हैं, दो बटरफ्लाई भी लगा दी, हैप्पी बर्थडे जो वो है हमारा वो भी हमने रेनबो कलर का ही यूज़ कर लिया, और ये बेटे का बर्थडे था तो उनके बेटे का नाम है अभी, तो मैंने वो लगा दिया, और नीचे मैंने दो चॉकलेट्स भी लगा दी। तो फ्रेंड्स, ये मेरा बनाया केक आपको कैसा लगा? यहाँ तो सभी को बहुत पसंद आया, और फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट उस वीडियो में मैं इसका रिव्यू भी दिखाऊंगी। उन्होंने कट करके भी अंदर का पोर्शन का पिक्स भेजा है मेरे को, मैं उसको भी आपको सेंड करूँगी वीडियो बना के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए।